ओम हरि ओम हरि ओम। दादा भगवान के सब प्यारे प्यारे बच्चों को हरि ओम। आज का सत्संग का टॉपिक है, किस वासना के कारण अगला जन्म होता है। किस वासना के कारण अगला जन्म होता है। तो आप सबको अभी तक पता ही चल गया होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्कर हैं। शरीर में सब कुछ है लेकिन दिखता नहीं है। दिखता उसको है जिसको सूक्ष्म दृष्टि होती है। डॉक्टर भी नहीं देख सकता है कि हमारे शरीर में ये सब है। ठीक कर दे डॉक्टर उसको, तभी बोलते हैं डॉक्टर्स के लिए भी ज्ञान, सब के लिए ज्ञान है। यू शुड प्रे टू गॉड, कनेक्ट योर सेल्फ विद गॉड, देन डू एवरीथिंग। स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ऑल काइंड ऑफ होल ह्यूमन बींग के लिए, किस भी प्रोफेशन में है वो, पहले भगवान फिर प्रोफेशन, पहले ज्ञान फिर प्रोफेशन, पहले ज्ञान फिर सास, पहले ज्ञान फिर वाइफ, पहले ज्ञान फिर माँ, पहले ज्ञान फिर पति, पहले ज्ञान फिर ससुर, पहले ज्ञान फिर बेटा। ये सारा चाहिए हमें। तो हमारे शरीर में 7 चक्कर हैं। पहला चक्कर है रूट चक्कर, मूलाधार चक्कर, जिसका पहले चक्कर में ही खाना पीना, मौज मस्ती करना और इच्छा वासनों में लगे रहना, मैं शीशे के सामने ही सारा टाइम रहना, मैं अच्छा दिखूँ, मैं अच्छा ये करूँ, मेरा ऐसा हो, इम्प्रेसिव उसमें रहना, इम्प्रेस अदर्स। ऐसी ही स्थिति अगर हमारी हो शुरू से लेके एंड तक, बोलते ना तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाएगी, आयु घटती घटती जाएगी। तो अगर मेरा जो पहले चक्कर में मैं थी और मरते समय भी मेरा यही चक्कर हो, तो मैं किस जगह जन्म लूँगी? सिर्फ मेरे पास वैभव है, माया है, उसी में अपना दिन, उसी में अपने श्वास, उसी में अपनी उम्र गवा दी है मैंने, जितने साल तक पहुँची हूँ। ऐसे में अगर इंसान शरीर छोड़ता है, क्या मुक्ति का रास्ता खुलेगा? आप बताइए, आप बताइए। तभी धीरे 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 30s में, 40s में, 50s में वानप्रस्थी का भी लेते हैं, सीनियर सिटीज़न बनते हैं, लेकिन प्रौढ़ता किधर है? बुद्ध तो 40 साल में प्रौढ़ हो गए थे। मैं जो आपको सुना रही हूँ, मैं 27 की थी तो मैं महावीर और बुद्धा ही पढ़ती थी। ऐसे में अगर इंसान शरीर छोड़ता है तो क्या है मुक्ति का रास्ता, कहाँ होगा? इसलिए बोलते, हर संत बोलता है, होश पूर्वक जियो, संसार में रहो, जीते जी हमने सब खत्म करना, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है, आ गया दोबारा उसी में जन्म लेके। इसलिए अभी से ही आत्मा को संभाला ही नहीं, शरीर को ही संभाले बैठे हैं। मैं कौन हूँ संभाला ही नहीं, आत्मा क्या है वो बीमार पड़ी है, आत्मा बीमार पड़ी है और शरीर को देखते रहे। ये हो गया पहला मूलाधार चक्कर। किसी का क्वेश्चन भी था कि हमें 7 चक्करों के बारे में इजीएस्ट वे से समझाइए, आसान तरीके से। मैं एक चक्कर पे ही 10 दिन 15 दिन लगा सकती हूँ, लेकिन इतना ही बहुत है। गोली बहुत छोटी होती है, सुन लोगे बहुत सारा लगेगा, इतना नहीं। दूसरा चक्कर है स्वादिष्ठान, जिसका नाम ही स्वाद है, लस्ट एंड टेस्ट, स्वादिष्ठान, सेक्स, खाना पीना, लस्ट, टेस्ट, डिज़ायर, स्वाद ही स्वाद, स्वाद ही स्वाद हर चीज़ में। मटेरियल सिस्टम में ही जी रहा है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही जी रहा है। उसका जन्म कहाँ होगा? जिसका सारा टाइम सेक्स में है तो वो वैश्या के घर जन्म लेगा कि नहीं? हमारी फ्री विल होती है, भगवान ने हमारे पे छोड़ा होता है, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। तो मैं अगर इसमें हूँ तो भगवान मुझे एक वैश्या के घर कर देगा, जन्म दे देगा? ये तैयारी होती है हमारी, स्वादिष्ठान की है। सेकंड चक्रा कल बताया था ना, अंत समय जो स्त्री सिमरे वो वैश्या के घर जन्म ले, अंत समय जो धन सिमरे वो सांप की योनि में जाए, अंत समय जो घर सिमरे वो प्रेत योनि में जाए, अंत समय जो पुत्र सिमरे वो सुअर की योनि में जाए। इसके बाद
अगर हमें कोई सत्पुरुष मिल जाता है, हमने कोई धन इकट्ठा कर लिया कि कोई समझदार सच्ची समझ वाला इंसान हमें मिल गया, तो शायद हम चेतना ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। एकदम से थोड़ी हो जाता है सारा, धीरे 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 धीरे। आप आधा घंटा भी निकाल के बैठी हो, कल को एक घंटा भी निकालोगे, धीरे धीरे मोह छूटेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी ना। सारा कचरा, हर चक्कर से कचरा निकालना है, ये जन्मों का कचरा भरा हुआ है इसमें। फिर हम क्या करते हैं, शुरू में कोई गुरु मिल जाते हैं हमें, जपा जाप कराने के लिए मिल जाते हैं, शुरुआत होती है, जाप करते करते मन कहीं और नहीं जाता है, सत्संग है तो कुंडली जागरण शुरू हो जाती है फिर हमारी। तीसरा चक्र आता है मनी मनी मणिपुर, इसमें पैसा ही प्रतिष्ठा, धन मान प्रतिष्ठा की वासना रहती है। नाभि में है ये तीसरा चक्र, वो अपनी ही दुनिया में ऐसे जी रहा है, उसको ये सब चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा जश धन इकट्ठा करना, हर चीज़ की वासना। ऐसे वाला इस चक्र में के मुताबिक अगला जन्म कहाँ होगा, आपके पास चॉइस थी अभी, लेकिन परवाह नहीं करी, सत्पुरुष भी मिले तो भी परवाह नहीं करी, तो फिर क्या है, गुरु भी मिला समझाने वाला, फिर भी नहीं परवाह करी, नहीं ध्यान दिया, इतनी अपनी सुख बुद्धि में रहे, तो क्या हुआ, ये है मणिपुर तीसरा चक्र। एक एक चक्र पे एक एक महीना सत्संग चल सकता है, मैं आपको शॉर्ट में और उसमें दे रही हूँ, ज़्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं है आपके पास, ज़्यादा लगाने का टाइम भी नहीं है। चौथा हो गया हृदय चक्र। पहले चार चक्र में जीवन बहुत व्यर्थ चला जाता है, इसमें मैं और मेरा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बेटा, मैं, इसमें सिर्फ अपनेपन की वासना है, मेरा ये कपड़ा, मेरा ये घर, मेरा कोई टच नहीं करे, मेरा कुछ नहीं करे, उसमें मेरा ही पैर बैठा, ये मेरा पोता है, पोती है, मेरी है, मेरी पत्नी है, मेरी वार्डरोब को कोई टच नहीं करे, तो मैं मेरे में हृदय चक्कर में वो चेतना उधर गुजरती रहती है तो कहाँ जाएगी, आत्मा को कहाँ अटका दिया उसने, मैं मेरे में। इस सब में हमको सेवा प्यार सारा करना है, अपने फर्ज पूरे निभाने हैं, ड्यूटी विद ब्यूटी। हम उधर ही अटक जाते हैं, बस यही हो, बड़े बड़े संत अटक जाते हैं, हम तो बेचारे, आप छोटे हो, वो शिष्यों में अटक गए, कोई आश्रमों में अटक गए, अटके ही पड़े हैं, सोचते हैं बस अचीव कर लिया हमने, बहुत हो गया, अभी लो हम टीवी में आ गए, पहचान लिया हमें, बस काम खत्म, तो क्या हुआ, फिर अटक आ गई। पांचवा चक्र थ्रोट चक्र, जहाँ से हम सोचते हैं कि मैं जहाँ क्यों आया हूँ। देखो जितनी चेतना ऊपर चढ़ती है तब ये थॉट आते हैं, मैं क्यों आया हूँ, लोअर से अपर जा रहा है, अपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, नहीं तो ज्ञान तो हो गया, वो थोथे के थोथे रह गए, थोथे ज्ञानी बोलते उनको, त्याग कोई नहीं, वैराग कोई नहीं, तपस्या कोई नहीं, अनुभव कोई नहीं, और बन गए उच्च कोटि के साधु बन गए, वो इसमें अटक गए। इतना अच्छा चक्र है, निकल गया तो निकल गया, वो उसमें रह गया, सोच भी आ रही है लेकिन अनुभव नहीं है, इधर भी नहीं अटकना है, तो देखो आगे चक्कर कैसा गया। सिक्स आ गया थर्ड आई, थर्ड आई में आ गई सारी सिद्धियाँ, गोरख धंधा सब आ गया इसमें, मैं पानी पे चढ़ सकता हूँ। एक बार बहुत अच्छा किसी संत ने, एक ने 36 साल लगाए पानी पे चलने की कोशिश करी, किसी संत ने बोला अरे मैं चार आने नाव में क्रॉस करके जा सकता था, तुमने 36 साल वेस्ट कर दिए। देखो देखो आज आंखें खोल दो, अलग अलग अखाड़े में लोग हैं, इधर है कोई, जब कुंभ मेला होता है आप देखते हो, हर किस्म के लोगों को देखते हो। हे अर्जुन हजारों आते हैं, कोई एक एक निकलता है।
टोटलिटी में एक निकलता है जो सहस्त्र चक्कर से जिसके प्राण जाते हैं। आठवां बुध तब आ जाता है फिर वो। सुन के रोवोगे क्या हो रहा है, कहाँ तक बैठे। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मैं इधर तक ही अटके हैं लोग, भाई हम तो किसी का बुरा नहीं करते हैं। बट व्हाट इज़ द गोल, आए क्यों हैं धरती पे। सतपुरुष जब मिलते हैं तो हमें गोल पता चलता है। ये परमानेंट घर नहीं है, असली घर जाना है, हमें चुना गया है। इंडिया में खासकर बोलते सारे इधर ही अटके हुए हैं, बाहर फिर भी कई लोग निकल जाते हैं। सिर्फ सिद्धियां आ गई, हिप्नोटिज्म आ गया, ये आ गया, सब उसमें अटक गए। चमत्कारी बाबा पानी के दीवे जला देंगे। सातवां है क्राउन चक्र, शिवो हम शिवो हम शिवो हम, ये सेवंथ चक्र। मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, ना कोई मेरा रिश्ता है, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक्टर हूँ, यहाँ रोल निभाने आया हूँ, दैट्स ऑल। धन्यभागी होते हैं जो जहाँ से जाते हैं, सारे देवी देवता सारी सृष्टि उनको नतमस्तक होती है, वहाँ जीत ही जीत है। क्राउन में तो इतना, आप साधना में लगो, आप नहीं भी बैठो तो हर वेले आपको सेंसेशन लगेगी, चींटियाँ चींटियाँ चल रही हैं, इट मींस मेरी प्रोग्रेस हो रही है। क्राउन एक्टिवेट हो गया तो सभी ही हो गए फिर, फिर तो हमारे अंदर कचरे की तो उम्मीद ही नहीं है ना। राग द्वेष पर चिंतन तू मैं ये सब गंदा जो संस्कार है वो सब खत्म। हमें तो गुरु ने बताया था गुरु आज्ञा में रहो तो सारे चक्कर, कितना आसान है, सिर्फ पूछ के चलना है, बस क्वेश्चन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जिज्ञासु बनो। सोचो अवतारों में नाम आता है फिर उनका, जैसे विवेकानंद हुए, परमहंस, हमारे दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान, तुकाराम, स्वामी रामतीर्थ, महावीर, बुद्धा, गुरु नानक, सारे कौन है ये। ये क्राउन चेतना वाले, क्राउन चक्र वाले हैं। नीचे तो देखा ही नहीं उन्होंने, वो आए ही अवतार लिया लोगों के लिए। कोई गुरु मिलता ही नहीं है पहले, हर किसी को गाइड चाहिए। गाइड कहीं घूमने जाते हो, मैसूरी जाओगे, कश्मीर जाओगे, तुम्हें गाइड चाहिए, समझाने वाला। इतनी उच्चता नहीं होती कि कोई ऐसा गाइड मिले हमें जो सो वो हो, हायर लेवल का हो। गुरु का मिलना कितना जरूरी होता है, स्पिरिट गाइड बोलते हैं इसको। तो समझ आए, इन सातों चक्रों में आप देखो अगला जन्म किस वासना में आप पड़े हैं। पहला चक्कर, दूसरा स्वाद स्वाद में है, तीसरा धन प्रतिष्ठा में है, चौथा मैं मेरे में है, पांचवें से लेके थ्रोट से लेके आज्ञा चक्र क्राउन चक्र, ये हैं तीन टॉप के। मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड दे गो इन फर्स्ट और सेकेंड चक्रास इन द 90 उम्र होगी लेकिन कोई मास्टर नहीं मिला। स्वाद ही स्वाद लगाते रहे, अभी आइसक्रीम खिलाओ, अभी श्रीखंड खिलाओ, अभी ये खिलाओ, अभी ये बनाओ, अभी ये बनाओ, तो ख़त्म। हाउ लक्की, तुम भाग्यशाली आत्मा हो जो अभी आज सारे सुन रहे हो। भगवान करे, हमारे गुरु करे, आपके ऊपर सारी कृपा डालें कि आपको ये सब समझ आ रहा हो। सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी सेवा है, उसमें से आपने जागना है, ये कोरोना का करुणा समझो, ठीक है। हरिओम।